गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास फोर की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसीजर्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है, और टीथ का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ओके, तो गेट रेडी, सब कोई तैयार हो जाइए, क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए और क्लास अटेंड करने के टाइम कुछ भी मत कीजिए। अपने पेरेंट्स को भी मना कर दीजिए कि आप प्लीज जो भी काम मुझे कहना है वो आप पहले कहें क्लास के, फिर क्लास के बाद कहें। क्लास के टाइम में कोई डिस्टरबेंस नहीं, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से अपने क्लास को अटेंड कीजिए और ध्यान से सुनिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ठीक है, उसके बारे में कमेंट कीजिए, उसके बारे में देखा जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। और एटलीस्ट अटेंडेंस अपना ज़रूर बनाइए, जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अपना अटेंडेंस ज़रूर बनाएं। इससे मुझे समझ में आ रहा होता है कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर कोई और क्लास अटेंड करके चला जा रहा है। कैनाइन, कैनाइन जो होता है, कैनाइन्स आर पॉइंटेड इन शेप एंड प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। दे आर फोर इन नंबर, दे आर यूज्ड फॉर टियरिंग फूड। जो कैनाइन होता है उसके नंबर चार होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर साइड में यहाँ पे और एक ऊपर साइड में यहाँ पे, तो चार कैनाइन के नंबर होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैनाइन जो होता है वो चार होता है हम लोग में। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसमें इनकी नंबर जो है ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें इनकी नंबर ज़्यादा होती है। तो जो कैनाइन है उसके नंबर हम लोग में चार होता है। कैनाइन आर पॉइंटेड इन शेप एंड प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। ये कैनाइन जो होता है, ठीक है, ये पॉइंटेड होता है, यानी कि नुकीला होता है। इसका काम ही होता है फूड को फाड़ना, ठीक है, फूड को फाड़ना, इसलिए इसको हम लोग टियरिंग टीथ भी कहते हैं। इसलिए इस टीथ को हम सब कोई टियरिंग टीथ भी कहते हैं। ये मांस को या फिर फूड को फाड़ता है। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स आर फ्लैट एंड वाइड टीथ विच हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। दीज आर एट इन नंबर। प्रीमोलर जो होता है वो फ्लैट और वाइड टीथ होता है, यानी कि वो चौड़ा भी होता है, ठीक है, और चपटा हुआ होता है, यानी उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसका जो एरिया होता है फ्लैट एरिया वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फूड को अच्छे से क्रश किया जा सकता है, फूड को अच्छे से ग्राइंड किया जा सकता है, यानी कि पीसा जा सकता है। इसके जो नंबर होते हैं ये एट होते हैं, ठीक है, दो इस साइड, दो अपर साइड, फिर दो इस साइड, फिर इसके दो अपर साइड, ठीक है, इसके जो नंबर्स होते हैं वो एट होते हैं। तो प्रीमोलर्स के जो नंबर होते हैं वो एट होते हैं। कैनाइन के चार होते हैं, चारों को हमने बता दिया। ओके, प्रीमोलर के जो चार नंबर होते हैं, अब बात आती है मोलर्स की। मोलर टीथ आर वाइड, wider and stronger than the premolars.
मोलर जो होता है वो प्री मोलर से वाइड और स्टम्बर भी होता है, यानी कि उससे चौड़ा भी होता है और उससे ज्यादा मजबूत भी होता है। दिस टीथ ऑल्सो हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इसका काम भी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है। दीज आर 12 मोलर्स इन ऑल, ये टोटल 12, इनके टोटल जो नंबर्स होते हैं वो 12 होते हैं, तीन इस साइड, तीन अपर साइड, फिर तीन इस साइड और तीन अपर साइड, ये सबसे आखिरी में होते हैं। ठीक है, ये हमारे अपर और लोअर जॉ में सबसे आखिरी में होते हैं और इसको क्रैकिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। कोई जो हार्ड चीज जो होता है वो इसी से हम लोग क्रैक करते हैं। ठीक है, कोई भी हार्ड चीज को हम लोग अगर क्रैक करना होता है तो वो हम लोग इसी से क्रैक करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल टूथ, इससे अच्छी फिगर आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो जो अपर पार्ट जो होता है, ठीक है, इनेमल, पहले तो इतना पार्ट को हम लोग क्राउन कहते हैं, एक काम करते हैं कि पढ़ाते चलते उसका बताते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द टूथ That we can see is called the crown. जो अपर पार्ट हम लोग देखते हैं टीथ का उसको हम लोग क्राउन कहते हैं। इट इज कवर्ड बाई एन आउटर हार्ड लेयर कॉल्ड इनेमल, जो इट इज कवर्ड बाई आउटर हार्ड लेयर कॉल्ड इनेमल, जो कि आउटर हार्ड लेयर इनेमल से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग इनेमल बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है। हम लोग इनेमल बोलते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो है हमारे बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इससे ज्यादा मजबूत हमारे कोई अगर पूछेगा ना कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत सब्सटेंस कौन है, ठीक है, तो बताएंगे इनेमल। जो दांत के इनेमल होते हैं ना, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होते हैं। अ बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन इज प्रेजेंट बिलो द इनेमल, ये बोन लाइक जो होता है ये बोन की तरह होता है, इसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डेंटाइन, जो एनिमल के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद Which is, provides a support to the tooth, जो टूथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। There is a soft part called pulp present inside the dentine. It has nerves and blood vessels. ठीक है, तो
एक जो होता है आपको पुल्प, इसके अंदर जो होता है पुल्प होता है जो सॉफ्ट पार्ट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स सब प्रेजेंट रहते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुल्प। द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ विच रिमेन्स फिक्स्ड इन जॉ इज कॉल्ड रूट। इसका जो लोअर पार्ट होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग रूट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग टूथ का रूट भी कह सकते हैं। तो यहां तक ये रहा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गम की। ये जो गम होता है जो इसको सपोर्ट करता है, ये जो गम है जो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, इसको मजबूती प्रदान करता है, और उसके बाद फिर बात करते हैं इस एरिया में, यहां पर होता है इसका रूट कैनल। फिगर थोड़ी छोटा है, ठीक है, फिगर थोड़ी सी छोटी है तो ऐसे नहीं मैनेज करेंगे, तो कहते हैं रूट कैनल। तो ये रहे टीथ के बारे में, ठीक है, टीथ के बारे में हमने क्या जाना, इंसीजर्स, टीथ जो है हमारे वो चार प्रकार के होते हैं, क्या है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स जो होता है वो कटिंग टीथ होता है, किसी फूल को काटने में, यानी कि कोई भी जो सॉफ्ट चीज होती है ना उसको काटने में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट चीज में आप लोग ब्रेड, जैसे केला को भी काटते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता है लेकिन ये काफी मुलायम होता है, ये आसानी से कट सकता है। तो अगर कुछ हार्ड भी काटते हैं हम लोग तो वो इंसीजर से कटने लायक होता है, जैसे कि एप्पल, एप्पल को ही अगर काटते हैं तो ये तेज होने के कारण, इसकी जो एजेस हैं ये थोड़ा शार्प होने के कारण हम किसी भी फ्रूट को काट पाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड होने अखरोट, अखरोट हो गया उसको अपने इंसीजर से नहीं काट सकते हैं। कोई चॉकलेट जो होता है उसको भी अपने इस दांतों से नहीं काट सकते हैं, चॉकलेट को हम लोग अपने क्रैकिंग टीथ जिसको हम लोग मोलर कहते हैं तोड़ते हैं, जो सॉफ्ट चॉकलेट है उसको हम लोग काटते हैं, जो हार्ड होता है उसको हम लोग डायरेक्ट क्रैकिंग टीथ पे डालते हैं। कैनाइन ये शार्प नोकीला होता है, ठीक है, इसके जो नंबर्स होते हैं वो चार होते हैं, हमारे माउथ में इसके नंबर्स चार होते हैं, चारों की जगह हमने बताया, और ये जो है कार्निवोरस एनिमल में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स का काम होता है किसी फ्लेश को टियर करना, फाड़ना, ठीक है, फ्लेश को टियर करना फाड़ने का काम होता है कार्निवोरस एनिमल्स का, तो ये वहीं पे रहते हैं, उसमें कार्निवोरस एनिमल्स में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर बात करते हैं प्री मोलर्स का। प्री मोलर्स जो है वो फ्लैट एंड वाइड होता है, यानी कि वो चौड़ा होता है, ठीक है, उसके नंबर्स आठ होते हैं हमारे माउथ में, दो यहाँ, दो यहाँ, फिर दो यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ दो, यानी कि अपर जो में चार और लोअर जो में चार। फिर मोलर्स जो होता है उसके नंबर एट होते हैं हमारे माउथ में, ठीक है, जो मोलर्स हैं वो उसके नंबर एट होते हैं हमारे माउथ में, सॉरी 12 होते हैं, 6 लोअर जॉ में और 6 अपर जॉ में, इसके नंबर जो होते हैं वो 12 होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल टूथ, सिंगल टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया, और हमने ये बताया कि इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, इससे ज़्यादा मजबूत कुछ भी नहीं है हमारे शरीर में। अब कल हम लोग पढ़ेंगे टूथ डिके के बारे में, केयर ऑफ टीथ के बारे में, जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं
तो उसको वो खराब कैसे होता है उसके बारे में, और उसको बचाया कैसे जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक से इसको कल कंप्लीट करके लेकर आइएगा। पेज नंबर 48 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक से, तो इसको आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उसके बाद आप लोग इसके आगे रीड करके आएंगे, ठीक है।